देख रहे हैं रामकनिया न्यूज चैनल और मैं आपके साथ सुरभि मिश्रा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज केकड़ी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान सरवाड़ में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान पर आयोजित जनसभा को संबोधित किया गया और भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी को जिताने की अपील की। हेलीपैड पर जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व विधायक शत्रुघ्न गौतम ने मुख्यमंत्री को गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। उसके बाद मुख्यमंत्री सभा स्थल पहुंचे। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने 51 जेसीबी मशीन के माध्यम से पुष्प वर्षा करते हुए ऐतिहासिक स्वागत किया, जिसके चलते मुख्यमंत्री अभिभूत नजर आए। सभा स्थल पर पहुंचने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैन आचार्य सुनील सागर महाराज का आशीर्वाद लेते हुए धर्म पर चर्चा की और उनके द्वारा लिखे गए धार्मिक ग्रंथों का विमोचन किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि लोकेश शर्मा की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद गहलोत का सचोट झूठ सामने आ गया है, इसलिए कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देकर भाजपा को जिताए। अजमेर लोकसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी के समर्थन में आज सरवाड़ में आयोजित जनसभा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कांग्रेस पर बरसते हुए कहा कि कांग्रेस लूट और झूठ की दुकान है, जनता समझ चुकी है, इसलिए नरेंद्र मोदी तीसरी बार भारी बहुमत से प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस नेताओं पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस नेता गपा गप माल खाकर और अब जांच हो रही है तो डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के मामले में 70 से अधिक लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और 2 से 5 दिन में आंकड़ा 100 को पार करने वाला है। उन्होंने कहा कि पेपर लीक मामले में जिन्होंने पेपर भेजे ऐसे शोरूम मालिकों की धरपकड़ अब होगी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम की प्रशंसा करते हुए कहा कि आपने एक अच्छा सेवक चुना है, उसी का नतीजा है कि गौतम ने जनता की समस्या का समाधान करने के लिए जूते चप्पल पहनना छोड़ दिया। मुख्यमंत्री ने जनता को आश्वस्त करते हुए कहा कि आप चिंता मत करना, आपके लोक लाडले विधायक शत्रुघ्न गौतम का प्रण शीघ्र ही पूरा करवा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर हमला बोलते हुए कहा कि गहलोत का सचो झूठ लोकेश शर्मा की प्रेस वार्ता के बाद सबके सामने आ गया है। मुख्यमंत्री ने आम जनता को संबोधित करते हुए कहा कि राजस्थान सरकार ने पेट्रोल डीजल पर सबसे ज्यादा वेट कम करके आम जनता को राहत पहुंचाई है। इसी तरह आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और आशा सहयोगिनियों का भी 15% वेतन बढ़ाया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनसभा में सभी को अनुरोध करते हुए कहा कि सभी मतदान अवश्य करें और अपने रिश्तेदारों को भी मतदान करने के लिए फोन करके बोले। इस दौरान विधायक शत्रुघ्न गौतम ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में भाजपा उम्मीदवार की केकड़ी विधानसभा क्षेत्र से भारी जीत होगी। गौतम ने कहा कि अजमेर कोटा रेल लाइन के लिए रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सर्वे के लिए बजट जारी कर दिया है और मैंने लोकसभा प्रत्याशी भागीरथ चौधरी से अनुरोध किया कि अगली बार वोट मांगने जाए तब तक क्षेत्र में रेल चल जानी चाहिए। गौतम ने मुख्यमंत्री को क्षेत्र की समस्या बताते हुए कहा कि नसीराबाद से देवली तक और जयपुर से भिलवाड़ा तक के हाईवे को 4 लेन किया जाए ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी आ सके। मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर जब हेलीपैड पर उतरा तो जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत व केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम ने गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री का जगह जगह पुष्प वर्षा कर भव्य स्वागत किया। केकड़ी विधायक शत्रुघ्न गौतम का जलवा सरवाड़ की जनसभा में देखने को मिला, जिसमें गाँव गाँव ढाणी ढाणी से महिला पुरुषों का जनसैलाब जनसभा में उमड़ पड़ा, जिसके चलते पांडाल छोटा पड़ गया और लोगों को बैठने के लिए कुर्सियां नहीं मिली, जिसके चलते लोगों को नीचे बैठना पड़ा। जनसभा के दौरान जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, पूर्व राज्यसभा सांसद रामकुमार बैरवा, भाजपा जिला अध्यक्ष देवी शंकर भूतड़ा, पूर्व भाजपा प्रत्याशी राजेंद्र विनायका, प्रधान होनहार सिंह राठौड़, सराना सरपंच नीनू दुनीवाल, पूर्व प्रधान रिंकू कंवर, भाजपा नेता किशन सिंह लखनौत, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवंशी, भाजपा अध्यक्ष प्यारे लाल खटीक, पूर्व प्रधान किशन लाल बैरवा, पूर्व नगरपालिका उपाध्यक्ष अजय पारिक, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, भाजपा नेता हरिमोहन शर्मा, भाजपा नेता फूल सिंह, भाजपा नेता रायचंद बागड़ी, रामकिशन गुर्जर, पार्षद मनोज कुमावत आदि मंच पर मौजूद रहे। इस तरह से हमारी माता बहनें मानस के समय में चूड़ा लगा के
अगर किसी ने चिंता की थी तो देश के सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की थी। माता बहनों को उज्ज्वला का कनेक्शन दे करके घर घर में गैस का चूल्हा पहुंचा करके अगर उनके साथ न्याय करने का काम किया तो देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। अगर माता बहनों की परेशानी देखी, उनको देखा कि हमारी माता बहने अंधेरे का इंतजार करती थी, सुबह अंधेरे से अंधेरे में बोर होने से पहले शौच के लिए निपट होने के लिए जाना पड़ता था। देश के सबसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मन में यह विचार आया कि माता बहनों के लिए शौचालय बनना चाहिए, शौचालय बनना चाहिए। तो शौचालय बना करके माता बहनों को सम्मान देने का काम किया तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया।